समृद्ध प्राकृतिक संपदा का रहस्य लोक आपको आमंत्रित करता है। इन सुरक्षित बीहड़ वनों में 50 से अधिक प्राकृतिक पार्क और लगभग 250 अभयारण्य हैं। भारत में जलवायु और भौगोलिक वैविध्य के कारण यहाँ 350 से अधिक पशु प्रजातियाँ और 1200 से भी अधिक प्रकार के पक्षी मिलते हैं। इनमें से बहुत से प्राणी केवल इसी महाद्वीप पर पाए जाते हैं। वन्य जीवन पर्यटन सैलानियों को इन जीवों के निकट ले जाता है और उन्हें उपलब्ध करवाता है ठहरने और सैर की बेहतरीन सुविधाएं। प्रकृति और वन्य जीवन भारतीय चेतना का अटूट अंग रहे हैं। जल, वनस्पति और पशुओं को यहाँ पूज्य माना जाता है। भारतीय पुराण और धार्मिक विधि विधान का ये एक अभिन्न हिस्सा है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क एक जीता जागता अजायब घर है। कहते हैं कि पार्क के बीचों बीच बना हुआ यह किला भगवान राम ने आज से 2000 वर्ष पूर्व लंका के राक्षस राज रावण को परास्त करके लौटते हुए बनवाया था। इस पार्क के शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। मध्य प्रदेश के विंध्याचल में बसा हुआ बांधवगढ़ 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें है बांस के उपवन, शाल, धोबिन और साजा के मिले जुले जंगल और घास के मैदान। वन्य प्राणियों का एक अनोखा संसार है, पर इन्हें देख पाना आपकी चतुराई और भाग्य पर निर्भर करता है। इन पार्कों को दिखाने के लिए अनुभवी गाइड हमेशा मौजूद रहते हैं। गौर, जो जंगली इंडियन बाइसन के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, विश्व का सबसे बड़ा जंगली सांड है और इस अभयारण्य का यही प्रमुख आकर्षण है। इंसानों की आबादी से दूर गौर जंगल में रहना पसंद करते हैं। भारत के अभयारण्यों में किसी भी देश या महाद्वीप की तुलना में सबसे अधिक वन्य प्राणी की किस्में हैं। केवल हिरण ही यहाँ 8 प्रकार के पाए जाते हैं। बांधवगढ़ अपने बाघ दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। हाथी पर बैठकर इन्हें सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है। भारत में 4000 से अधिक बाघ हैं। बाघ की कुछ विरल जातियां जैसे सफेद बाघ केवल विशेष परिस्थितियों में ही पैदा होते हैं। पूरे विश्व में ऐसे 100 से भी कम बाघ हैं। कॉबट नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा पार्क, दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर हिमालय की गोद में रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की एक विरल प्रजाति है जो हाल ही तक लुप्त प्राय थी, लेकिन आज 2000 से भी अधिक घड़ियाल नंदन कानन जैसे स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में पैदा हुए हैं, जिनमें से अधिकतर कॉबिट जैसे खुले अभयारण्यों में छोड़ दिए गए हैं। इनकी बेशकीमती खाल की वजह से इनका अवैध शिकार किया जाता है।
भारत के अभयारण्यों में आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े पशुओं में सबसे अधिक पाए जाते हैं ये फुर्तीले सजीले चीतल या कि हिरण। अपनी नस्ल के अन्य प्राणियों से अलग सियार अकेला ही शिकार करता है। वर्षा की पहली घटा छाते ही मोर नाच उठता है, मानो उसे पहले से ही मालूम हो कि बारिश आने वाली है। पशु पक्षियों को भी एकांत चाहिए, इसलिए पार्कों और अभयारण्यों में पर्यटकों के घूमने के लिए दिन का समय ही नियत है। कॉबर्ट के घने और हरे भरे जंगलों में 110 प्रजाति के पेड़ हैं। ये जंगल घर है नाना प्रकार के पशु पक्षियों और जंगल के राजा शेर का। उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट बसा हुआ है नंदनकानन अभयारण्य। दरअसल ये एक आधुनिक चिड़ियाघर है। नंदनकानन देवताओं के आनंद उपवन पौराणिक नंदन वन के नाम पर है। यहाँ विभिन्न नस्ल के पशुओं को उनके माहौल जैसा मिलता जुलता वातावरण दिया गया है। दरियाई घोड़ा मध्य पूर्व अफ्रीका से आया हुआ हमारा स्थायी अतिथि है, जिसे पानी और दलदल बहुत सुहाते हैं। इस उपवन में आप अनेक अद्भुत पक्षियों को बहुत नजदीक से देख सकते हैं। श्री राम और सीता के परम भक्त हनुमान की सेना इन वानरों को पूज्य माना जाता है और इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाता। मिथुन एक संकर प्रजाति है जो प्रधान रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है। धूर्त भेड़िया छोटे पशुओं का शिकार करता है, जैसे मृग, चौसिंगा और पक्षी। नंदनकानन का मुख्य आकर्षण है शेर। 20 एकड़ भूमि के रमणीक इलाके में बख्तर बंद बसों से तय किए जाने वाले सफारी में आप इन शेरों को निकट से देख सकते हैं। जंगल के राजा शेर का भारत में अपना निराला स्थान है। 2000 वर्ष से भी पहले सम्राट अशोक ने अपने कुछ फरमान सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष पर खुदवाए थे। आज ये भारतीय गणतंत्र का प्रतीक है। नेशनल पार्क असम की वेगवान नदी ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। हर वर्ष मानसून के आने के साथ ये नदी अपने तटबंध तोड़ देती है, अतः अभयारण्य को केवल जनवरी और मई के बीच ही देखा जा सकता है। काजीरंगा भी अन्य ग्रासलैंड्स की तरह ही शिकारी जानवरों का घर है। इस आरक्षित वन में बहुत बड़ी संख्या में पेलिकन पक्षी पाए जाते हैं। ये
दलदल विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की शरण स्थली है। लगभग सभी ऐसे आरक्षित क्षेत्रों के घूमने वालों को अपने लिए कुछ दिन का समय निकालना चाहिए ताकि जंगली जीव जंतुओं को पास से देखा जा सके। जंगली भैंसे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए बदनाम हैं, पर दरअसल वे इंसानों से झिझकते हैं। यहाँ भी उनका यही हाल है। भारत भालुओं की अनेक प्रजातियों की मेजबानी करता है। भालू बड़ी निपुणता से पेड़ों पर चढ़कर वहां से अपना अधिकांश भोजन जुटा लेते हैं। काजीरंगा का मुख्य आकर्षण है भारतीय एक सींग वाला भैंसा। एक जमाने में लुप्त प्राय ये जीव अब जंगल के सफर में आम नजर आता है। राजस्थान का रणथंभौर नेशनल पार्क कभी महाराजाओं का आखेट स्थल था। राजपूत शासन का खामोश गवाह है ये दुर्ग। रणथंभौर का ये ऐतिहासिक दुर्ग भारत की धर्मनिरपेक्ष परंपरा का जीवंत साक्षी है। यहाँ अलग अलग आस्थाओं का साझा अस्तित्व है, लेकिन संपूर्ण भारतीय परंपरा समग्र प्रकृति के प्रति आदर का भाव लिए हुए है। झील के किनारे ये शिकारगाह जोगी महल, यहाँ अधिकतर पशु निशाचर हैं। इन्हें देखने का बेहतरीन वक्त है अल सुबह या शाम ढले। भारतीय सांभर सबसे बड़ा और सबसे अधिक पाया जाने वाला मृग है। एक बड़े सांभर का वजन 300 किलोग्राम और ऊंचाई 5 फुट से भी अधिक हो सकती है। ये एक शर्मीला निशाचर प्राणी है। एक मिलनसार जीव है। मूलतः बंदर शाकाहारी होता है। रणथंभौर नेशनल पार्क 400 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रणथंभौर में विशाल बरगद का पेड़ है। निरंतर फैलने वाली जड़ों वाला बरगद शताब्दियों से चिंतन, मनन और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। वन्य प्राणी अभयारण्य को देखकर पता चलता है कि भारत ने विकास के साथ साथ किस प्रकार पर्यावरण और वन्य जीवन के प्रति अपने दायित्व को निभाया है। इस भव्य जंगल के बीच एक बांध से 55 वर्ग किलोमीटर का एक जलाशय बनाया गया है। ये जलाशय पशु पक्षियों के लिए 12 महीने पानी मुहैया करता है।
पानी में डूबे जंगल के अवशेषों पर बैठी धूप सेकती चिड़ियां एक जाना पहचाना खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। किनारे फैला ये कछार पेरियार का एकमात्र समतल इलाका है। नहर के चारों ओर जंगल में ट्रॉपिकल जंगल के सदाबहार पेड़ हैं, तो डेसिड्यूस वृक्ष भी। चंदोबे से बहुत थोड़ा सा प्रकाश छन छन कर आता है। इनकी छाया में नाना प्रकार के पौधे उगा करते हैं। विश्व का शायद ही कोई ऐसा अभयारण्य है जहां हाथियों को ठीक अपने माहौल में इतने इत्मीनान से इतने नजदीक से देखा जा सकता है। इस पार्क में 800 से भी अधिक हाथी हैं और कभी कभी तो आप इन्हें केवल 20 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। स्नान के आनंद के बाद ये खेल ही खेल में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। प्राणियों से जुड़ी पौराणिक कथाओं का अक्षय भंडार है। भारत के किसी भी अभयारण्य में कुछ दिन बिताना एक निराला और अविस्मरणीय अनुभव है। प्रकृति को उसके जीवंत रूप में देखने का एक अनोखा अवसर। आइए इस बीहड़ की डगर पर भारत का परिचय प्राप्त करें।